होने में कितना मजा आता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन में बहुत शाई था, जीवन में कभी स्टेज तक पे नहीं चढ़ा था, तो मेरे बचपन में रहता था कि यार लोग डिबेट कर लेते हैं, एनुअल फंक्शन में डांस कर लेते हैं, मैं जीवन में स्कूल कॉलेज में कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा, तो भगवान ने मुझे इतना चढ़ाया अब कि मेरी पूरी जो बचपन क्या मतलब नेक्स्ट 7 जन्म की स्टेज पे चढ़ने की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। अच्छा लगता है। प्रवक्ता होने का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि समटाइम्स मेरी पत्नी मुझे बोलती है डोंट टॉक लाइक ए स्पोक्स पर्सन। तब कई बार मैं हर चीज़ के आर्ग्यूमेंट देना चालू कर देता हूँ। मेरे फादर से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं ओके प्लीज़ बी प्रिसाइज, गिव मी डायरेक्ट आंसर्स। सो अब क्या आदत हो गई, कोई पूछता है कि कहाँ जाना है तो मैं बताता हूँ यहाँ से वैसे 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 ओके, और वापस का भी रास्ता बता देता हूँ। तो पीपल आर स्पेशली द यंगस्टर्स एंड द पीपल हु आर स्टेइंग विथ यू, वो कहते हैं भाई अब डायरेक्ट आंसर दो, तो ये नुकसान हो जाता है कई बार कि समटाइम योर आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स आर गॉन टू दैट लेवल कि आप हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट दिखा सकते हो। सो ये दिस इज समथिंग ए बैड फॉर ए स्पोक्स पर्सन। अच्छा पार्टी प्रवक्ता बनने के लिए 3 टॉप टिप्स क्या देंगे? 3 टिप्स यही है, अच्छा इंसान अच्छा होना चाहिए, आपके मन में आपके देश के प्रति और आपकी पार्टी के प्रति आदर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप वास्तव में उस आइडियोलॉजी में आपका बिलीफ होना चाहिए। मतलब अगर मेरी मान लो डिवाइड एंड रूल की आइडियोलॉजी नहीं है और मैं बीजेपी का स्पोकी बन जाऊँ तो आई कांट डू वेल, सो आई हैव टू बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी। और थर्ड मैं बोलता हूँ कि माई रूल इज 6:1, फॉर 1 आवर डिबेट 6 आवर प्रिपरेशन, फॉर 1/2 आवर डिबेट 3 आवर्स प्रिपरेशन। अगर आप 6 आवर प्रिपेयर करके जाते हो तो यू विल बी ऑलवेज टू द पॉइंट विद द डाटा विद द पिन पॉइंट। आपकी नज़र में कोई ऐसा स्पोक्सपर्सन जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं, उनका काम पसंद है? मैं कांग्रेस पार्टी के कई स्पोक्सपर्सन मुझे अच्छे लगते हैं। आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ श्री एस जयपाल रेड्डी, हु इज लेट एस जयपाल रेड्डी, मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे बोलते हुए। मैं अरुण जेटली जी भी मुझे काफ़ी इम्प्रेस करते थे बोलते हुए, मुझे अच्छा लगता था उनकी बात सुनते हुए। डॉक्टर थरूर जब बोलते हैं तो इस मेसमराइजिंग और हिंदी में बोलने में, ऑल दो वाजपेयी जी स्पोक्सपर्सन नहीं रहे पर जब वो बोलते थे तो अच्छा लगता था। संबित पात्रा अगर आई डोंट हैव एनी एनिमिटी, ही इज़ अ गुड पर्सन आई कैन टेल यू, पर वो जो उसका जो पोलराइज और डिवाइड का माइंडसेट है ना, मतलब उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो किसी के रंग पे धर्म बोल देता है या किसी पैनल पे बैठे हुए आदमी को बोलता है ए टोपी, इसकी टोपी उठा दो, तो मुझे लगता है कि इसने भी तो कहीं एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस जिस यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री ने डिग्री ली वहीं से तो नहीं ले ली इसने, कहीं ऐसा लगता है जब वो ये बोलता है। एक चीज़ जो आपने पार्टी प्रवक्ता बनने के बाद सीखी? मैंने पार्टी प्रवक्ता बनने के बाद थोड़ा मैं आज भी रिलेटिवली बहुत डायरेक्ट हूँ, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस कि अगर मेरी में कोई कमी भी होती है या मेरी आइडियोलॉजी में कुछ कमी भी होती है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं ऑन स्क्रीन अपने आप की ड्रॉबैक्स एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा कम ही, हालांकि आज भी जैसे मैं चुनाव लड़ा विधानसभा का, मैं चुनाव हारा तो मैंने एक्सेप्ट किया, आई डिड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर मतलब एक्सेप्टेंस जो करने की मेरी आदत थी वो मेरी थोड़ी सी कम हुई है। टीवी के घमासान डिबेट का हिस्सा होने से क्या सेहत पर असर पड़ता है? मेरा तो वेट कांस्टेंट है पिछले 10 साल से और आई होप द सेम विल कंटिन्यू, थैंक्स टू माय वाइफ एंड एवरीवन हु फीड्स मी विद अ गुड फूड। और सेहत, आई एम नॉट सेहत काइंड ऑफ गाय कि जिसको सेहत से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है, पर कई बार आप 5-5 डिबेट कर लेते हो, 4-4 जैसे बजट के दिन बीइंग ए फाइनेंस प्रोफेसर मैं 4-5 कर लेता हूँ तो थोड़ा गला ख़राब, पर उसकी भी मेरी आदत है, 3-3 क्लासें भी लेता ही था। प्रवक्ता
प्रवक्ता बनने के बाद फ्रेंड्स और फैमिली क्या आपको अलग तरीके से देखते हैं? थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलने से पहले सोचते हैं, ये मैंने उनमें चेंज देखा है। और बीजेपी की बुराई करके मेरी आंखों में आंखें डाल के हंसते हैं, तो ये मैंने उनका चेंज देखा है। क्या डिबेट का कल्चर आपको अच्छा लगता है? आपको लगता है इससे कोई नतीजा निकलता है? बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, स्पेशली थोड़ा सा कंट्रोल डिबेट्स हों तो शायद। मैं आपको बताऊं कि मतलब डिबेट्स 98-99 में भी 2000 में भी होते थे, थोड़े से वो ज़्यादा नतीजा या फोकस्ड होते थे। अब जो डिबेट्स हो रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि आपके डायलॉग पे ताली कितनी पड़ी, आपके डायलॉग को कितने लोगों ने दिल में उतारा उसका कोई महत्व नहीं है, आपके डायलॉग पे ताली कितने लोगों ने मारी वो महत्वपूर्ण हो गया। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को, इंक्लूडिंग मी एंड ऑल स्पोक्स पर्सन एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो, अगर हम सब मिलके चाहें तो थोड़ी सार्थकता बढ़ा भी सकते हैं। आप और हम दोनों ही इसके लिए दोषी हैं। क्या आप खुद को अपने खुद के डिबेट घर जाके देखते हैं या डिजिटल पे? जो मैंने आज तक नहीं देखा, और मेरे सामने मेरी फ्रेंड्स वगैरह कई बार मेरे कुछ वीडियोस वायरल होते हैं तो वो उनके पास आते हैं तो वो मुझे दिखाते हैं तो मैं शर्मा जाता हूँ, पता नहीं क्यों। आई विल से ओके प्लीज़, मुझे पता है मैं ही तो करके आया हूँ, तो मैंने नहीं देखा आज तक। डिजिटल कमेंट्स भी 90% मैं नहीं पढ़ता हूँ, पर मेरे घर पे एक दो लोग हैं जो नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं और वो मेरे को फिर चिढ़ाते हैं। कोई मेरे कमेंट कर देता है कि अरे तू दाढ़ी तो सही बना के आया कर, कोई लिखता है फेशियल करा ले प्रोफेसर, तो वो कह देता है कि आज कोई कहता है बाल की कटिंग ठीक करा ले। मैं आपको एक बड़ा फनी कमेंट बताता हूँ, अभी मैं महाकाल जाके आया तो मैं नेक्स्ट डे डिबेट पे गया तो लोग बोले कहाँ गया था, बैद्यनाथ गया था कि महाकाल गया था? और कई लोग जब प्रेस करते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जब आता है क्योंकि आप अगर मेरे कमेंट्स देखेंगे और आपके व्यूअर्स भी देखेंगे तो कई लोग लिखते हैं कि आई एम ए स्ट्रॉन्ग बीजेपी सपोर्टर बट आई लाइक यू, तो मुझे ये बड़ा सेटिस्फाइंग है कि मतलब आई एम हैविंग दैट पावर टू कन्विंस द पीपल ऑन द अदर साइड आल्सो। नहीं, मैं कैमरा के सामने आपको बोल रहा हूँ कि संबित पात्रा को मैं पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता, मैं उसको ए तेरा नाम ये रख दूंगा ये नहीं कहना चाहता, मैं उसको जितना कंट्रीब्यूशन मेरा भारत के निर्माण में है उतना ही मैं उसका भी मानता हूँ, या बीजेपी के कोई प्रवक्ता का और भी है तो उनका भी मैं मानता हूँ, तो मेरा रिलेशन किसी से ख़राब नहीं है। पर गाली गलौज, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई से हटके अब हम शब्दों की लड़ाई में आ गए। आप रंगों के धर्म बताते हो, आप कवियों के और शायर के धर्म बता देते हो, आप भाषा के धर्म बता देते हो, आप खान पान का धर्म बता देते हो, तो कुछ ज़्यादा हो रहा है ये। किसी का मैं कोई वाइट कलर पहनता हूँ या ये कलर पहनता हूँ तो मेरा कोई धर्म हो सकता है क्या इससे? तो लोग टीवी डिबेट में करते हैं इस तरह की मजाक और बदतमीजी तो बुरा लगता है, पर मेरा किसी के साथ एनिमिटी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति का भारत में योगदान उतना ही मानता हूँ जितना मैं अपने स्वयं का मानता हूँ। प्रवक्ता होने का सबसे मुश्किल पार्ट क्या है? प्रवक्ता होने का सबसे मुश्किल पार्ट ये होता है कि जनरली डिबेट शाम को होती है, और शाम को अगर आपको कहीं बाहर डिनर पे जाना है, आपके घर में डॉटर की बर्थडे है या कोई फैमिली फ्रेंड्स आए हुए हैं और आप डिबेट कर रहे हो और आप स्टूडियो में जा रहे हो, तो एक तो ये वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरा, कई बार आप चिल्ला चोट इतनी कर देते हो कि
आपको खुद को अच्छा नहीं लगता, पर उस समय का एनवायरनमेंट में वो हो जाता है, तो ये बड़े नुकसान है। मैं आम तो खाता हूँ, पर वॉश बेसिन के ऊपर बैठ के चढ़ के चूस के नहीं खाता हूँ, मैं उसको काटता हूँ और उसकी उसको फिर चम्मच से लेता हूँ और फिर खाता हूँ, और उसका जितना आनंद मैं ले सकता हूँ उतना लेता हूँ। पर कई लोग जो आम खाने के शौकीन हैं भारत में, वैसे तो आम भारत में सभी शौकीन हैं, पर कुछ आम खाने की पद्धति के शौकीन हैं, मैं उस पद्धति से नहीं खाता हूँ।